हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी खंडेवा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ब्लॉगस्ट्रोमिक थिंक में, और साथ ही मैं आपका स्वागत करती हूँ आओ अतीत में चले के आज के एपिसोड में। हमने पिछले एपिसोड में तिल चढ़ाने और उतारने की रस्म देखी थी। अब वरवधु ने स्नान करके नए वस्त्र धारण कर लिए हैं और ये सब रीति रिवाज घर के चौक में चौकी पर ही संपन्न किए जाते थे। कुछ घर की महिलाएं आटे की पपड़ी बनाती हैं जो पूरी से भी छोटे आकार की होती है, जिसमें कई छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं ताकि वह फूले नहीं, और थोड़ा सा सुखाने के बाद उसे कढ़ाई में तेल में तली जाती है। यह लगभग 1 से 1.5 सेर आटे की बनाई जाती है। इसी प्रकार 9 पपड़ी और बनाते हैं जो पूरी सेकी यानी तली नहीं जाती, कच्ची ही उतार ली जाती है, जो एक तरह से अधकच्ची लोई जैसी ही होती है। इस प्रकार ये तेल की पपड़ी कहलाती है जो हमारे देवी देवताओं के नैवेद्य के रूप में मानी जाती है। इनमें से कुछ पपड़ियों को गणेश जी के पास रखी मिट्टी की कुंडियों में रखा जाता है और शेष को एक परात में भरकर रखा जाता है। अब लाड़े या लाड़ी को उस कमरे में ले जाया जाता है जहाँ गजानन महाराज यानी कि गणेश जी की विधि अनुसार पंडित जी ने स्थापना कराई थी। लाड़े को गजानन महाराज के सामने बिठाया जाता है, ढोक लगवाई जाती है। इसी प्रकार एक बालक को बिंदायक के रूप में लाड़े या लाड़ी के साथ विराजमान कराते हैं। यह बिंदायक रूपी बालक हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत लाड़े या लाड़ी के द्वारा कराई गई हर पूजा में साथ रहता है। विवाह संपन्न होने तक यह बिंदायक रूपी बालक हर समय इनके साथ रहता है। इसके पीछे का कारण यह है कि हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं और हमारे धर्म अनुसार गणेश जी महाराज को विघ्नहर्ता के रूप में मांगलिक कार्य संपन्न कराने वाले देवता मानते हैं। 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवताओं में सर्वप्रथम पूज्य देव माने जाते हैं श्री गणेश जी। हमारी संस्कृति के अनुसार जब हम हर कार्य श्री गणेश के साथ होते हैं तो हमारे समस्त मांगलिक कार्य निविघ्न संपन्न होते हैं, और ऐसा होता भी है। तो फ्रेंड्स, आज आपने कैलाश जी के कर्म से जाना कि विवाह समारोह में बिंदायक जी कैसे बिठाए जाते हैं और क्यों बिठाए जाते हैं। अगले रीति रिवाज को जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, और आज का एपिसोड यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।